तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल। सबसे पहले जानते हैं कि पिवट टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली डेटा को, जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, मुझे डेटा को एक समराइज करने के लिए या एनालाइज करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत हेलो पड़ती है डेटा की। हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। हेलो हाँ तो चलिए शुरू करते हैं पिवट टेबल। तो हमारे सामने आपके पास जो है पिवट टेबल का एक छोटा सा डेटा दिख रहा है, मुझे इस डेटा को पिवट टेबल के जरिए एनालाइज करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसी चीज में डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले डेटा को समझते, डेटा क्या है। बेसिकली डेटा एक सेल्स का डेटा है कि किस डेट को किस ऑर्डर से ऑर्डर में कितनी वैल्यू, कितनी क्वांटिटी, कितना डिस्काउंट था, कितना प्रॉफिट परसेंटेज था, टोटल वैल्यू कितना जनरेट हुआ, किस सब कैटेगरी, किस कैटेगरी, किस रीजन, कस्टमर का टाइप कौन सा था और किस मार्केट जोन में सेल हुआ। हमने डेटा समझ लिए। डेटा समझने के बाद ऊपर की हेडिंग को देख लीजिए, हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब हम जाते हैं पिवट टेबल के इंसर्ट वाले इंसर्ट सेक्शन के पिवट टेबल। तो पिवट टेबल में एक यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पिवट टेबल का जो फीचर है, ये डेटा को देखेगा, समझेगा और इस डेटा पे आपको रिकमेंड करके देगा कि इसमें कितने तरह के पिवट बनाए जा सकते हैं, कितने तरह के पिवट बनाए जा सकते। सिंपली लेकिन ये फीचर तो हम होम मेनू बार में एनालाइज में भी देख सकते थे। देखिए एनालाइज जो है ये आपका जो आया है लेटेस्ट डाटा है, एक तरह से एक्सेल की एआई कह सकते हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल पहले से, रिकमेंडेड पिवट टेबल में क्या है कि आप इसमें कुछ अपने तरफ से इनपुट नहीं कर सकते कि ऐसा बना दो चाहे ऐसा बना दो, जैसा है सेम उसी तरह का बना के देगा। लेकिन एनालाइज के अंदर फीचर था जिसमें हम अपने हिसाब से इनपुट दे सकते थे। जैसे डेटा को ले लिया, मुझे मान लीजिए जोन वाइज पांच सोल्ड क्वांटिटी चाहिए, तो मैं लिख सकता था जोन वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी सोल्ड यहां आ गया। और यहां पे जैसे इस पे एंटर मारे, जैसे एरो पे क्लिक करें तो उसी हिसाब से देखिए जोन वाइज बनाकर आपको दे दिया। इंसर्ट करेंगे तो पिवट टेबल और पिवट चार्ट लग जाए। लेकिन हम जो है डायरेक्ट पिवट टेबल यहां पे इंसर्ट करेंगे। पिवट टेबल कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके कीजिए, एक नई शीट में पिवट टेबल लग जाएगा। अब पिवट टेबल में कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी सी सिंपल सी चीजें हैं कि आपको यहाँ पे आपके फील्ड है, इस फील्ड को उठा के इन चार सेक्शन है उसमें रखने हैं। जैसे मुझे चाहिए जोन वाइज टोटल क्वांटिटी, मुझे क्या चाहिए कि जोन वाइज टोटल क्वांटिटी कितना है। तो जोन वाइज टोटल क्वांटिटी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट किए और पिवट टेबल हमने कर ही चुके हैं, लगा ही चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम जोन को उठाएंगे इसमें से और यहाँ रख देंगे, तो इस सारे जोन का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। भले ही डेटा के अंदर में आपका जो जोन है मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, बट पिवट में आपको यहाँ वन एक एक वैल्यू से एक बार दिखाए। उसके बाद मुझे सोल्ड क्वांटिटी को वैल्यू में रखना है, हेलो सोल्ड क्वांटिटी को वैल्यू में रखना है, यहाँ टोटल आ जाए। मुझे टोटल के साथ साथ और कैलकुलेशन करनी है तो इसी पे क्लिक कीजिएगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग में। यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन जो मर्जी कर सकते हैं, सम करें, एवरेज करें, मैक्सिमम करें, मिनिमम करें, प्रोडक्ट करें, जो करना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पिवट टेबल बना है क्या इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे रो लेवल है तो मैं इसमें जोन लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सम ऑफ क्वांटिटी में मैं यहाँ पे टोटल
क्वांटिटी लिखना चाहता हूं लिख सकता हूं, ये जो है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्या नहीं होगी, जो फिगर है जो टोटल होके आई है उसको चेंज नहीं कर सकते। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे। देखिए नॉर्मल जो हम होम में जाते हैं और यहाँ पे जो फॉर्मेट करते हैं कि कलर कर दिया बॉर्डर कर दिया, वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि जब पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखेंगे कि पिवट टेबल और डिजाइन, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन दो जो है नए मेनू आपको खुल के आएंगे इस तरह से। तो इसके डिजाइन वाले सेक्शन में आप यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ पिवट टेबल के बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे, जहां पे सिलेक्ट करते हैं पिवट टेबल उसी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा जो यहाँ दिख रहा है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो पिवट टेबल इसी तरह से फॉर्मेट हो गया। अब इसके ऊपर अगर विजुलाइजेशन चार्ट वगैरह इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हम चार्ट, ये देखिए हमारा चार्ट जो है वो इंसर्ट हो गया। चार्ट की भी अपनी एक फॉर्मेट है जो कि यहाँ पे हम डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से हम चार्ट की अपनी डिजाइन को चूज कर सकते हैं। अब इस टोटल क्वांटिटी जोन दिख रहा है, मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकता हूँ। टोटल दिख रहा है इसके जगह पे मैं अपना हेडिंग डाल देता हूँ कि जोन वाइज टोटल क्वांटिटी सेट। अब यहां से टोटल में हटा दे, इसके ऊपर यहाँ एलिमेंट होता है, एलिमेंट में आप जो ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा टेबल नहीं, डेटा टेबल आ जाता है, डेटा लेवल्स लेवल्स वगैरह हम यहाँ डाल सकते हैं। तो ये एलिमेंट होता है चार्ट में। अब ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, अब मुझे इसको भेजना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं सिर्फ इस रिपोर्ट को ही भेजना चाहता हूँ ना कि डेटा, तो मैं इस सीट पे राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा मूव ऑल कॉपी, सॉरी व्यू बोर्ड पे क्लिक कर दिया, माफी चाहूंगा, थोड़ा आंखों में इन्फेक्शन हो रखा है ना इसलिए थोड़ा सा धुंधला हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे मूव और कॉपी, मूव ऑन कॉपी पे हम जाएंगे और यहाँ न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट कॉपी, या डायरेक्ट मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं, देन ओके करें, एक नई सीट में ऐड। अब इसको सेव करके भेज दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर डेटा तो मैंने भेजा नहीं, तो क्या किसी और के पिवट पे, किसी और के पीसी पे पिवट टेबल वर्क करेगा? जी बिल्कुल वर्क करेगा, क्योंकि पिवट टेबल अपना डेटा अपने साथ कैरी करता है। जैसे कि मैं अगर टोटल डेटा चाहिए मुझे तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो नई सीट पे पूरी की पूरी डेटा को कॉपी पेस्ट कर, या फिर मान लीजिए मुझे ईस्ट का डेटा चाहिए तो ईस्ट बारे टोटल पे डबल क्लिक किया, यहां देखिए ईस्ट का डेटा आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि डबल क्लिक करने पे डेटा शो ना हो, डेटा कैरी ना हो, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस, नीचे से आपको दिखेगा पिवट टेबल ऑप्शंस, इस पे जाइए, इसके डेटा में जाइए, यहाँ दिख रहा है सेव डेटा विद फाइल, अनचेक कर दीजिए, अनेबल शो डेटा अनचेक कर दीजिए। अब जो है डबल क्लिक करने पे यहाँ पे फीचर्स डेटा नहीं आ रहा। अब चलिए समराइज को और डिटेल में जानते हैं। अब मुझे जो टोटल पीछे जो चाहिए वो चाहिए कि किस जोन में किस टाइप के कस्टमर किस कैटेगरी के टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, सिंपल से मुझे कैलकुलेट करना है। तो पिवट टेबल हम लगाते हैं वापस एंड ओके करते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया कि मुझे जून वाइज चाहिए, राइट, तो मैंने जून को रखा यहां पे, फिर यहां देखिए आपका डेटा यहां बनता जाएगा। मुझे फिर यहां पे जून के बाद चाहिए कस्टमर, तो कस्टमर को मैं चाहता हूं कि मैं इस पर मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहता हूं इस तरह से, और यहां पे हमने टोटल रेवेन्यू सेल्स वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया, ये टोटल आ गया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स फॉर्मेट। अब यहाँ देखिए डेसिमल प्लेसेस में आया है, मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल ना हो, मतलब कि नॉर्मल हो जाए, तो जनरली मैं यहाँ से इसकी डेसिमल्स को कम और ज्यादा कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं पिवट टेबल यूज कर रहा हूँ तो क्यों ना पिवट टेबल के फील्ड सेटिंग में यहीं पे जहां पे हम बाय डिफॉल्ट सम सेलेक्ट करते हैं इसी के नीचे नंबर फॉर्मेट होता है, इस नंबर फॉर्मेट पे जाना है, कस्टम में जाना है और इसकी जीरो कर दीजिए डेसिमल को,
देन ओके, देन हो गया आपका डेसिमल गायब हो गया। अब यहां पे यहां भी चेंज कर सकते हैं कि यहां जो लिखा हुआ है इसको हम जोन कर दें, सम ऑफ सेल्स वैल्यू कॉलम लेवल, कॉलम लेवल में यहां पे हम लिख देते हैं कस्टमर टाइप, इस तरह की चेंजिंग की जा सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा तभी लेते हैं जब कॉलम के अंदर डली गई, जो भी कॉलम के अंदर हम डालते हैं वो सारे के सारे फील्ड्स जो है वो लिमिटेड काउंट में। जैसे मान लीजिए कि हमने कस्टमर डाला 3 4 5 10 20 हजार चलेगा, लेकिन अगर इसी में 5 10 हजार हुआ या 1000 2000 हुआ 500 हुआ तो हॉरिजॉन्टल नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी मैंने बताया था कि मुझे कैटेगरी भी चाहिए, तो कैटेगरी को उठा के मैंने कॉलम के अंदर डाला तो देख सकते हैं कि यहां पे आपको यहां पे कॉर्पोरेट फिर इसके अंदर कैटेगरी आ क्या आ गया कैटेगरी आ। अब यह हर बार कैटेगरी का टोटल गलत दिख रहा है, तो इसको यहां ना रख के हम यहां कॉलम में रखते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ गया हमारे पास। जोनल कैटेगरी को स्विच भी कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे स्विच भी कर दीजिए। उसके अलावा मान लीजिए कि मैं यहां पे सब कैटेगरी भी चाहता हूं, तो मैं सब कैटेगरी को उठा के भी इसके नीचे रख दिया, तो देखिए सब कैटेगरी भी इसके अंदर आ गई। या फिर मैं चाहता हूं कि जोन सबसे नीचे आओ, कैटेगरी सब कैटेगरी फिर जोन आए, तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हो। या फिर मैं इसके नीचे रीजन भी लिखना चाहता हूं, तो इसके नीचे आप रीजन भी रख सकते हैं इस तरह से। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा जो हमने बनाया तो ठीक है, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपका पिवट टेबल में किसी को भेजते हो, क्योंकि इसमें फायदा भी है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल है, यहाँ पे कोलैप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से, एक साथ यहाँ पे आप जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में तो यहाँ कोलैप्स होता है, ये आपका एक्सपेंड होता है, तो इस तरह से आप एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं सारा का सारा, एक फीचर है। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि जब सम टाइम क्या करते हैं कि पिवट टेबल की हम रिपोर्ट बनाने के बाद फिर इसको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करते हो, वैल्यू पेस्ट करते हो। जैसे मैं इस कॉलम को कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कहीं भी करूंगा, जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट किया और हमने कर दिया वैल्यू पेस्ट, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि सारे के सारे जोन कैटेगरी रीजन कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं चाहता हूं कि हर एक फील्ड अलग हो, जैसे फर्नीचर जो है, जैसे कि ये है आपका कैटेगरी अलग हो, सब कैटेगरी अलग कॉलम में हो, जोन अलग कॉलम में हो, इस तरह के अलग अलग कॉलम कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा डिजाइन के अंदर में, और यहाँ रिपोर्ट लेआउट्स के अंदर आप यहाँ जो है सो टेबुलर फॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे हर हर किसी का टोटल दिख रहा होगा, इसको सब टोटल कहते हैं। नहीं चाहिए मुझे, इसे कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने हटा दिया, सारे सब टोटल हटा दिए, इसके भी सब टोटल हटाने हैं तो इसके भी हम सब टोटल यहां से हटा दिए। तो अब टोटल किसी की यहाँ पे जोन का टोटल है तो इसका जोन का टोटल भी मैंने हटा दिया, इस तरह से हमने हटा दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि क्यों कौन सा क्या है, मैं चाहता हूं कि यहाँ इस तरह से रिपीट हो जाए, तो यहीं पे आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, ये देखिए ये आपका रिपीट हो गया, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, मुझे इस ब्लैंक को सबको जीरो करना है, ब्लैंक नहीं रखना है, सबको जीरो करना है। तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे गया और यहीं पे देखिए 4 एम्प्टी शेल शो जीरो एंड ओके कर दे तो जीरो हो। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे इसके बीच में एक ब्लैंक रो होता तो थोड़ा सेपरेशन बनता, तो यहीं से हम ब्लैंक कर सकते हैं कि इंसर्ट ब्लैंक लाइन, तो देखिए यहां पे
जैसे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो रहा है। समटाइम मुझे ब्लैंक लाइन नहीं चाहिए होता है, तो यहीं पे हम कर देते हैं रिमूव, यहीं पे कर देते हैं डू नॉट रिपीट, रिपीट भी नहीं करना। अब मुझे मर्ज करना है, तो जनरली इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज नहीं कर सकते, हमें मर्ज करने के लिए पिवट टेबल के ऑप्शन पे जाना होगा। राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहां पे हम करेंगे मर्ज एंड सेंट्रल सेल्स विथ लेवल्स एंड ओके। ये देखिए मर्ज हो गया, इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो समराइजेशन में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब चलिए, अब तीसरा पार्ट, हमने दो पार्ट समराइजेशन वाला पार्ट कवर कर लिया, अब तीसरा पार्ट हम कवर करेंगे, इसमें मूविंग शॉर्टिंग फिल्टर ग्रुपिंग वगैरह जो है उसके बारे में जाने। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्टिंग की। जैसे कि मैंने यहाँ रीजन्स को ले लिया, और रीजन्स के बाद हमने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी शोल्ड ले ली। अब मुझे अपने डेटा को शॉर्ट करना है, जस्ट राइट क्लिक और यहीं पे कर दीजिए शॉर्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसा करना चाहते कर सकते हैं। हम शॉर्ट को कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम कॉलम में जून को रख दिए, तो यहां हम राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके मैं यहां पे इसको शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं सारे। अब हम बात करते हैं मूविंग की, क्योंकि शॉर्ट अगर जो हम शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट अपने हिसाब से होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो पंजाब है वो हमेशा टॉप पे आए, तो राइट क्लिक करके मैं यहीं पे मूव कर सकता हूं, जहां मूव करना चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे उठा के भी रख सकते हैं कि इसको हमने उठाया और इसके ऊपर जहां मर्जी रखना है मूव कर सकते हैं। एक से ज्यादा उठा कर रखना है तो एक से ज्यादा भी उठा के आप रख सकते हैं, और सेम हम कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जोन को रखा, और जोन को हम यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, साउथ सबसे पहले आएगा तो हम इसको मूव कर सकते हैं, सिंपल। अब हम बात करते हैं फिल्टर ग्रुप कि हम अपने पिवट में फिल्टर कैसे लगा। देखिए फिल्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर एंड पेज फिल्टर। तो यहाँ पे पेज फिल्टर नहीं, पेज फिल्टर के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो हम बात करते हैं रो फिल्टर के बारे में। जैसे मुझे यहां से कोई स्टेट नहीं चाहिए, तो मैं यहां से उस पर्टिकुलर स्टेट को अनचेक कर दूंगा, अनचेक हो जाएगा तो पर्टिकुलर स्टेट नहीं आएगा। उसके अलावा यहीं पे आप हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल फिल्टर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाते हैं, इक्वल डज नॉट इक्वल, बिगिन विद डज नॉट बिगिन विद, एंड विद कंटेन, तो जो डालेंगे उसके हिसाब से शॉर्ट। तो जो लेबल किया इसका मतलब है कि ये जो सिटी आपका दिख रहा है उस पर अप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर इसमें हमने वैल्यू फिल्टर कर दिया तो वैल्यू वाले सेक्शन में अप्लाई होगा। जैसे कि मैं टॉप 10 कर दूं या टॉप, यहाँ पे मैं टॉप 3 करता हूँ, तो मुझे सिर्फ टॉप 3 ही दिखे। उसी तरह से हम रो फिल्टर की जगह पे हम कॉलम फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर करते हैं, ये रहा कॉलम फिल्टर। यहां भी सेम कि हम जो जोन चाहिए उस जोन को क्लिक कर दें, या फिर हम जोन के अगेंस्ट जो है अपनी कंडीशंस दे सकते हैं, या फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। टॉप 10 में मैंने यहाँ पे टॉप 2 कर दिया, तो अब जो टॉप 2 है वो ही यहाँ पे दिखेगा। अगर हम पेज फिल्टर की बात करें तो पूरी की पूरी पिवट टेबल को, क्योंकि तो रो एंड कॉलम फिल्टर हो रहा है ना, पूरी की पूरी पिवट टेबल को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम पेज फिल्टर। जैसे कि मैंने कस्टमर को रख दिया पेज फिल्टर में, तो यहां से जब हम सिलेक्ट करेंगे इसे कॉपरेट, अब पूरी की पूरी पिवट टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग हो गई, कॉपरेट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। तो आप लोगों का समझ में आ गया मूविंग शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, कोई दिक्कत इसमें?
इसे रिपीट जरा कीजिए तीसरा वाला प्लीज। कौन सा फिल्टर है सर जी? तीसरा वाला तीसरा पेज फिल्टर है, यहाँ जो पेज फिल्टर होता है तीसरा पेज फिल्टर होता है। गंगा प्रसाद जी कुछ पेज, बोल रहे हैं आप? पेज, हाँ जी हाँ, पेज पेज फिल्टर। जी हाँ, पेज फिल्टर तो पूरी की पूरी पिवट टेबल को फिल्टर करता है। अब हम आते हैं ग्रुपिंग के बारे में। देखिए, जैसे हमने पिवट टेबल लगाया, लगाने के बाद मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अपनी जो रीजन है रीजन डाल दी, और रीजन के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड भी डाल दी। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? जैसे कि मेरी जो कंपनी है बिहार और झारखंड को एक ही स्टेट की तरह ट्रीट करती है, ठीक है, तो मैं बिहार और झारखंड को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक करके मैं यहां पे ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि रीजन 1 रीजन 2 आ गया, और जो हमने ग्रुप किया था उसमें देखेंगे कि ग्रुप 1 करके आएगा। कहां गया बिहार झारखंड? ये रहा ग्रुप 1। अब इस ग्रुप 1 में हम यहां पे लिख सकते हैं बिहार एंड जेएच। अब यहां से जो रीजन 2 है उसको रहने देते हैं, रीजन को रिमूव कर देते हैं। तो यहां देखिए हमारा डेटा कंबाइन होकर शो हो रहा है, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ध्यान रखिएगा, पिवट टेबल सिर्फ डेटा ले लेता है, 1 डे कंडीशन है, आपके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को जो जो टेक्स्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे वो आपका ग्रुप हो जाएगा। सिंपल, जैसे वेस्टर्न यूपी है और ईस्टर्न यूपी है, इन सबको मैं यूपी करना चाहता हूं, तो इसको हम लिए कंट्रोल के दौरान ईस्टर्न यूपी के पे गए, राइट क्लिक किए और यहीं पे ग्रुप कर दिए। ये आपका ग्रुप 2 आ गया। बट तो यहाँ पे रीजन 2 रीजन नहीं है, वो एक ही बार आता है, और यहाँ पे हम यूपी कर देते हैं। इसको बोलते हैं टेक्स्ट ग्रुपिंग। अगर इसी में हम बात करें नंबर ग्रुपिंग को, देखिए अब मैं अब जो पिवट टेबल लगाना चाहता हूँ नई सीट पे नहीं लगाना चाहता हूँ, इसी सीट के एक अलग जगह पे लगाना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो एक एक्सेल वर्कशीट और लोकेशन देके हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है नंबर लेते हैं क्वांटिटी। अब जैसे क्वांटिटी को रो में रखा और हमने अपनी सेल्स वैल्यू को यहाँ रखा, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस तरह से नहीं देखना है, मुझे स्लैब के अकॉर्डिंग देखना है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या फिर 1 से 100, 100 से 200, या 1 से 1000, 1000 से 2000, या 1 से 10 हजार, 10 हजार से 20 हजार, ऐसे मुझे स्लैब में चाहिए। तो स्लैब के लिए यहां हम राइट क्लिक करेंगे ग्रुप में, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आता है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं 0 और मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, और मुझे स्लैब चाहिए मान लीजिए 20 का, तो 20 दिया एंड ओके। तो देखिए 20 to 29 मेरी ये सेल है, स्लैब वाइज आपकी सेल आ गई। बस राइट क्लिक करना है। उसी तरह से अगर आपके पास डेट है, तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पिवट टेबल और अगेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट और डेटा पे गया और यहाँ सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। अब मैं यहाँ पे अपना डेट करता हूँ, डेट एंड यहाँ पे क्वांटिटी शो। तो डेट ऑगली देखिए ईयर वाइज ग्रुप हो गया, लेकिन मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकता हूँ, और मुझे ग्रुप अपने हिसाब से करना है। राइट क्लिक ग्रुप, ग्रुप मान लीजिए मुझे ये करना है मंथ और ईयर के हिसाब से, तो मंथ और ईयर हमने यहाँ पर डाल दिया कि आपका मंथ और ईयर आ। मुझे मंथली और मुझे ईयरली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, अगेन ग्रुप करता हूँ, और मैं यहाँ पे सॉरी ये सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक ग्रुप, और यहाँ पे मैं क्वार्टर और ईयर को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब मैं क्वार्टर को उठा के इस तरह से कॉलम में रखूंगा, तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा बना के दे देगा। यही नहीं, राइट क्लिक करके अगर ग्रुप में जाता हूं, मुझे ग्रुप जो करना है डेज वाइज करना है, और डेज ये मुझे 15 दिन का या 90 दिन का चाहिए, तो ओके किए, तो ये आपको देखिए 90 90 दिन का ग्रुप बना के दे दिया। काउंट ऑफ क्वांटिटी सेल्स की जगह पे मैं सम कर लेता हूँ यहाँ पे सम।
ये आपका सम हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हो। तो ग्रुप समझ में आया, ग्रुप के तीन थे, टेक्स्ट, नंबर एंड डेट। तो कंफ्यूजन आप लोगों को, अब जो है हम आते हैं वापस कैलकुलेशन। अब बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में कि पिवट टेबल के जरिए हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कष्ट, यहां पे जोन वाइज मान लीजिए कि जोन वाइज, और यहां हमने क्वांटिटी सोल्ड ले लिया, तो यहां पे टोटल मेरा दिख गया क्वांटिटी सोल्ड। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे इसमें जोन वाइज नहीं चाहिए, मैं बेसिकली अपने डेटा में के अंदर जाता हूं, चेंज करता हूं, मैं डेटा में यहां मंथ दे देता हूं, क्या दे देता हूं, मंथ, मंथ में मैं यहां पे जैन फेब कर देता हूं। लेकिन जो मंथ दिया वो यहां कंसीडर नहीं होगा, यहां पे देखिए मंथ आपके नहीं आए, यहां मंथ नहीं आया, रिफ्रेश करने पे भी नहीं आया, क्योंकि जब आप रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने पे आपका डेटा के अंदर जो चेंजिंग होता है तो अपडेट होता है, नया डेटा जो कि कॉलम फॉर्मेट में है या रो फॉर्मेट में है वो अपडेट नहीं होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, पिवट टेबल के अंदर जाएंगे, पिवट टेबल एनालाइज, और यहां हम करेंगे चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स, और इस चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके नीचे तक आएंगे, देन ओके। अब यहां हम देखिए मंथ आ गया, मंथ आया, तो मैं जून को हटाता हूं और मंथ को रखता हूं, तो मंथ वाइज टोटल हमारे पास आ गए, काउंट आया, तो इसको हम सम कर देते हैं, यहाँ सम सम हो गया। अब मुझे इसके बगल में क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए या कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इसके लिए हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में आएंगे, इसके बगल में दिखेगा शो वैल्यू एच, शो वैल्यू एच, तो यहां पे सबसे पहले हम देते हैं, यहां पे हम परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल या ग्रांड टोटल, तो एक ही है तो ग्रांड टोटल करते हैं, देन ओके, देखिए कंट्रीब्यूशन आ गया, लेकिन फिर वैल्यू नहीं दिख रही है। तो आप यहां एक वैल्यू सेक्शन ऐसा है जहां पे एक फील्ड को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं, तो यहां पर रख दिया, तो इसने ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बता दी, तो सर एक मिनट, वैल्यू फील्ड सेटिंग में यहां पर इसका सम कर देता हूं, इसने बताया कि 46892 जनवरी का सेल है और ओवरऑल सेल में 9% का कंट्रीब्यूट रखता है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक बार यहां और रखता हूं और यहां वैल्यू फील्ड सेटिंग में आता हूं, सम करता हूं, कैलकुलेशन में आता हूं, और यहां पे हम जो है रनिंग टोटल आपको दिखेगा, यहां पे रनिंग टोटल कर दिया, तो एक क्यूमुलेटिव टोटल आपको जुड़ जाएगा, जनवरी फिर जनवरी। अब यहां पे देखिए जैन फेब है, अल्फाबेट है, तो शॉर्ट करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम जैन अप्रैल टू मार्च ले लिया है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, उसको उठा के ऊपर रख दीजिए, तो जनवरी में सेल इतनी थी, जनवरी फरवरी मिला के इतना हुआ, मार्च मिला के इतना हुआ, अप्रैल मिला के इतना हुआ, इस तरह से टोटल करते चला गया। इसी का ये चाहिए मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड को एक बार और रखता हूँ नीचे, और अब इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, सम किया हमने, वैल्यू फील्ड सेटिंग, नो कैलकुलेशन में यहाँ पे रनिंग टोटल परसेंटेज कर दिया, देन ओके, यहाँ पे परसेंटेज आ गए। इस तरह से इसके फील्ड के अंदर की जो कैलकुलेशन है वो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फील्ड टू फील्ड कैलकुलेशन कैसे कर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है टोटल सेल्स वैल्यू और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, अब मुझे रिपोर्ट निकालनी है कि किस सब कैटेगरी के कितने टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे प्रॉफिट कितना होगा, तो मुझे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहूं, तो मैं यहां सिंपल एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूं और यहां मैं अपना
कैटेगरी रखता हूं, सब कैटेगरी, और यहां पे ऊपर में हम पिवट टेबल एनालाइज के अंदर यहां दिखेगा फिल आइटम सेट। इस फिल आइटम सेट में जाएंगे जहां दिखेगा कैलकुलेटेड फील्ड। इस कैलकुलेटेड फील्ड में आएंगे और यहां पे डालते हैं प्रोफिट, और यहां हम दो फील्ड को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक नोट, टोटल सेल्स सही तो है, तो टोटल सेल्स वैल्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स वैल्यू, यहां पे ऐड कर दिया। एक मिनट स्पेस देना होगा यहां, तो ऐड ऑफ जो प्रॉफिट ऑलरेडी है, प्रॉफिट अमाउंट करना पड़ेगा, अमाउंट वो ऐड हो गया, एंड ओके एंड ओ, यहां देखिए प्रॉफिट आ गया। अब मुझे इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू कैलकुलेट फील्ड में आएंगे और यहां पे डालेंगे जीएसटी। और एक बार अमाउंट चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन सही कर रहा है कि नहीं सही कर रहा। प्रॉफिट पे मुझे 18% का जीएसटी चाहिए, तो 18% दिया एंड ओके। तो यहां पे इस तरह की हम कैलकुलेशन कर सकते हो, दो फील्ड को आपस में कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक्सेल फॉर्मूले जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी हम लेते हैं सोल्ड क्वांटिटी, तो यहां पे हम देते हैं इंसेंटिव INC। अब यहां पे हम सिंपल सा कंडीशन देते हैं कि इफ में हम क्वांटिटी स्टोर लेते हैं कि अगर ये लेस देन इक्वल टू हुआ 50,000, तो यहां पे 10,000 का इंसेंटिव आया, अदरवाइज यहां पे 60,000 का इंसेंटिव आया, और यहां पे हमने ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया। तो देखिए 10,000 का इंसेंटिव है, 50,000 सारे नीचे है सारे के सारे क्वांटिटी। इस तरह से हम फील्ड को फील्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि ये मेरे पिवट टेबल पे किस किस तरह की कैलकुलेशन हुई है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे और जाएंगे लिस्ट फॉर्मल। एक नई सीट ऐड होगी जहां पे जो भी कैलकुलेशन आपने लगाया है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट दे देगी। क्लियर है? ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट था। अब हम बात करेंगे पिवट टेबल में एक्सटर्नल डेटा, लास्ट है पिवट टेबल में, उसके बाद हम स्लाइसर्स और पावर पिवट जो है अगली क्लास में करेंगे, और साथ में डैशबोर्ड भी, पिवट डैशबोर्ड। तो अभी क्या है कि आपके सामने डेटा है, पर प्रॉब्लम ये है जब पिवट टेबल लगाते हैं और डेटा में रो एंड कॉलम चेंज होता है तो मेरा पिवट टेबल डिफॉल्ट अपडेट नहीं होता, हमें मैन्युअली जाकर अपडेट करना पड़ता है। मैं चाहता हूं ये डिफॉल्ट अपडेट हो, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि टेबल डेटा को टेबल फॉर्मेट में डाल, जी हाँ यहाँ टेबल टेबल बना दे। टेबल बनाने से क्या फायदा होगा कि जब इसमें पिवट टेबल लगाइएगा तो पिवट टेबल किसी रेंज को नहीं टेबल को रीड करेगा, और टेबल इंक्रीज करेंगे तो अपने आप पिवट टेबल हमारा इंक्रीज हो जाए, सिंपल सा। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल पिवट टेबल मेथड, जी तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल पे आते हैं, पिवट टेबल पे नहीं, यहां इसके बगल में एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शन। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम एक्सेल, यहाँ पे हम एक्सएस एसक्यूएल जैसे चीजों को भी ले सकते हो। ब्राउज फॉर मोर पे जाए और जो DS1 जहां पे है वहां पे पहुंच जाए, DS1 एंड ओपन करें। इसके अंदर जो डेटा शीट है डेटा शीट को ले एंड ओके करें, एंड ओके करें। अब जो है आपका डेटा में टेबल इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें डेटा डालते हैं तो मुझे अपने टेबल इंक्रीज बाय डिफॉल्ट हो जाता है, नहीं हुआ तो यहां से टेबल को इंक्रीज वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है कि कहीं भूल गया तो नहीं होगा, इसलिए मैं इसको नॉर्मल डेटा कर देता हूं, चेंज कन्वर्ट टू रेंज।
तो दूसरा है हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल सोर्स, इसमें जस्ट आपको रिफ्रेश कीजिए अपने आप आएगा, एक एक्सेल से या किसी और एक्सेल से भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ रो को इंक्रीज करता है, कॉलम को नहीं। अगर आपके डेटा के अंदर में कॉलम बढ़ता है तो वर्क नहीं करेगा। दूसरा, ये सिर्फ आपके पीसी पे वर्क करेगा क्योंकि इसमें एक पाथ लगा है जो पाथ आपके सिस्टम पे है, किसी और सिस्टम पे नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, वो है फॉर्मूला, किसका, ऑफसेट का। देखिए यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला ऑफसेट का, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और सिलेक्ट कर लूंगा A1 और मैं बोलूंगा कि जीरो रो एंड जीरो कॉलम। अब इसकी हाइट मतलब टोटल डेटा कितना है, तो हम काउंट ए लगाते हैं, पूरे ए कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और विड्थ कितना है, तो विड्थ में भी हम काउंट ए लगाते हैं और पूरी के पूरी हेडिंग को काउंट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा आपका देखिए यहाँ पे आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट पिवट टेबल में नहीं लगा सकते, क्योंकि पिवट टेबल सिर्फ डिफाइन नेम लेता है, फॉर्मूला नहीं लेता है। तो इसके लिए हम पिक्चर लुकअप वाला मेथड अपना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मूला में डिफाइन नेम, और इस डिफाइन नेम में इसका नाम हम डेटा देंगे और उस ऑफसेट फॉर्मूले को यहां पेस्ट कर देंगे। लेकिन डॉलर से लॉक जरूर कर दीजिएगा, देन ओके। अब जब हम कहीं भी पिवट लगाएंगे तो उसमें हम डेटा रेंज नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, तो डेटा का जो नेम हमने दिया है ना, सिर्फ नेम को लेंगे एंड ओके कर। यहां देखिए पिवट टेबल लग गए, क्लियर है सर, समझ में आया होगा सर। क्लियर है, तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, इस पर कीजिए प्रैक्टिस। और आप लोगों की तरफ से सभी लोगों ने कल जो है अपना टेस्ट नहीं भेजा है, एक दो लोगों ने ही भेजा है सर, कल शाम तक सर टेस्ट नहीं आएंगे तो मैं सबको फेल कर दूंगा मैं, फिर सर्टिफिकेट पे ग्रेड कमेगा तो मत बोलेगा सर ग्रेड कम गया।